हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टॉपिक तक कंप्लीट हिस्ट्री को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इस क्रम में, इस सिक्वेंस या ऑर्डर में आज अपना नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है, जिसका नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। ओके, तो कई सारे विदेशी आक्रमण हुए भारत पर। उस विदेशी आक्रमण से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन वो क्वेश्चंस भी हमें कहीं ना कहीं समझने होंगे। वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हमें याद होने चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली विदेशी आक्रमण को लेकर, फॉरेन इन्वेशन को लेकर। तो इसके पहले हमने मगध साम्राज्य पढ़ा, मगध अंपायर पढ़ा, तो मौर्य अंपायर, फिर हम मौर्य अंपायर पढ़ेंगे। मौर्य अंपायर और मगध अंपायर के बीच में, मगध और मौर्य के बीच में ही भारत पर विदेशी आक्रमण का सिलसिला स्टार्ट होगा, शुरू होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी शक्ति का नाम बताओ, व्हिच या हु अटैक ऑन इंडिया फर्स्ट इन द हिस्ट्री, भारत के इतिहास में भारत पर आक्रमण करने वाली पहली शक्ति का नाम, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन भी दे देगा, ईरानी, यूनानी, हूण, शक, तो क्या करोगे आप? तो कोई शक नहीं करना है और आपको सीधा लगा देना है ईरानी। ओके, तो आज अपना यही टॉपिक है कि भारत पर जो विदेशी शक्तियां आक्रमण करेंगी, आज यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। हमने कई टॉपिक पढ़े, करीब करीब 9-10 टॉपिक पढ़ लिए हिस्ट्री में, लेकिन अभी तक कोई विदेशी शक्ति भारत पर अटैक नहीं कर रही, आक्रमण नहीं कर रही ना। लेकिन अब देखेंगे, आज से सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और अंग्रेजों तक ये सिलसिला चलेगा। ओके, इतिहास में तो आज हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण को। तो भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ ना, ईरानी और यूनानी का, तो हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, चाहे छोटा ही वीडियो क्यों ना हो जाए। तो आंसर क्या होगा, भारत पर आक्रमण करने वाली पहली शक्ति कौन थी? ईरानी शक्ति थी। तो ईरानियों ने, पर्शियन जो थे ईरानी, उन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया, बहुत सफल नहीं हुआ। तो ईरानी आक्रमण से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम कर लेंगे। देन आफ्टर, देख पा रहे होंगे हमने दो पार्ट में बनाया है विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेशन को, एक है पर्शियन इन्वेशन, ईरानी आक्रमण, और दूसरी तरफ हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मकदूनिया या मेसिडोनिया, यूनान में ही है ना, तो वहीं का राजा होता है, किंग होता है सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसने भारत पर आक्रमण किया और उसका प्रभाव भी कहीं ज्यादा पड़ा भारत के इतिहास पर, कंपेरिजन ऑफ ईरानी आक्रमण के, पर्शियन इन्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो उससे कहीं ज्यादा प्रभाव सिकंदर का पड़ता है भारत पर। तो सिकंदर या अलेक्जेंडर से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग उस यूनानियों से पहले जो ईरानी आक्रमण हुआ उसको हम लोग समझेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए वही प्रश्न जो मैंने 2-3 बार बता दिया है कि भारत पर आक्रमण करने वाली पहली शक्ति, तो याद रखना पर्शियन थे, ईरानी थे। ओके, और स्पेशली ईरान में कई वंश थे, सुना होगा ईरान की संस्कृति जो है, स्पेशली आपने अगर सुना होगा मेसोपोटामिया के बारे में, जैसे हमारे यहाँ इंडस सिविलाइजेशन थी, वैसे वहां मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। तो ईरान का ही वंश है जिसका नाम है हकबनी वंश। तो स्पेशली अगर ये ना पूछे कि भारत पर किस देश ने पहले आक्रमण किया, या ईरानी ऑप्शन ना होकर उस पर हकमनी हो जाए, तो हकमनी सही रहेगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाली पहली शक्ति कौन थी? हकमनी वंश के
के लोगों ने या हखमनी वंश ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया, याद रहेगा ना। तो सबसे पहला आक्रमण फर्स्ट इन्वेशन अगर इंडिया पर किसी ने किया तो ईरानियों ने किया और हखमनी वंश ने किया, ठीक ना, याद रखना। इसका राजा है कौन है, साइरस सेकेंड, कौन है, ग्रेट साइरस, साइरस महान है। तो साइरस ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, भारत की बाहरी सीमाओं पर या कहें कि पश्चिमोत्तर भारत पर ही इसने कहीं ना कहीं छोटे मोटे आक्रमण किया, ज्यादा भारत में ये एंटर ना कर पाया। ओके, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी या पहला शख्स कौन था, साइरस था, हुआ क्लियर। देन आफ्टर पर्शियन अटैकर का नाम पूछा जाए, ईरानी आक्रमणकारी का नाम पूछा जाए, उसका नाम है डेरियस, क्या नाम है, डेरियस। ये डेरियस सेकंड आक्रमणकारी है, पर्शियन आक्रमणकारी है, ईरानी आक्रमणकारी है, याद रखना। डेरियस के पास 23 प्रांत थे, टोटल कितने प्रांत थे, टोटल कितने स्टेट थे, 23, 23 प्रांत थे, जिसमें से उसने पश्चिमोत्तर भारत को, याद रखना, वेस्टर्न इंडिया में उसने अपना 20वां प्रांत बनाया, याद रखना। इंडिया का मैप जानते होंगे और इधर गुजरात जो है या गुजरात वाली जो बाउंड्री है ये क्या है, वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की, ठीक। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, वेस्टर्न इंडिया है ना, पश्चिमी भारत है। तो पहले पाकिस्तान भी भारत में था, है ना, तो भावनाओं को समझिएगा। डेरियस फर्स्ट ने पश्चिमोत्तर भारत में अपना 20वां राज्य स्थापित किया, एस्टैब्लिशेस 20 स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया। ओके, अब बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ा ईरानी आक्रमण का, लेकिन आगे चल के इसके कुछ दूरगामी प्रभाव पड़े, इसके कुछ लॉन्ग टर्म में जाके कुछ इंपैक्ट पड़ते हैं इंडिया पर। आपने सुना होगा खरोष्ठी लिपि के बारे में, आपने सुना होगा अरामाइक लिपि के बारे में। तो ये खरोष्ठी और अरामाइक स्क्रिप्ट अब ईरानियों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में डेवलप करेंगी, भारत में विस्तार करेंगी, हुआ क्लियर। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मौर्यन एम्पायर में, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अशोक के शिलालेख मोस्टली 4 लिपियों में पाए जाते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ईरानी, सॉरी ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक हम लोग जब सिकंदर पढ़ेंगे ना नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनानियों के आक्रमण का भी प्रभाव पड़ा भारत में, और भारत में गांधार शैली का विकास होता है, भारत में इंडो ग्रीक शैली का विकास होता है। जैसे भारत में पहले मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम आए तो कहीं ना कहीं जो इस्लामिक संस्कृति थी, जो इस्लामिक कल्चर था, इस्लामिक जो स्टाइल थी, आर्ट था, उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान में फैलने लगा, उनकी संस्कृति का हम पर प्रभाव पड़ा, हुआ क्लियर। तो ऐसे ही ईरानियों का भी हम पर प्रभाव पड़ा, और याद रखना ईरानी कला है कौन, अरामाइक। तो अरामाइक कला क्या है, इसको आप लिपि समझिए। तो अरामाइक लिपि से ही निकलकर भारत में एक नई लिपि का विकास होता है, जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि, याद रखना। तो अरामाइक लिपि ईरानी लिपि है, और इसी के प्रभाव से भारत में एक नई लिपि विकसित होती है, जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। तो ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप भारत पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है, और तत्स्वरूप भारत में खरोष्ठी और अरामाइक लिपि तेजी से फैलती है, हुआ क्लियर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे ईरानी आक्रमण से संबंधित हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों का टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने दो पार्ट बनाया, एक में पर्शियन इन्वेशन,
ईरानी आक्रमण और दूसरा पार्ट है ग्रीक इन्वेशन यूनानी आक्रमण। आज हमने ईरानी आक्रमण पढ़ा और यूनानी आक्रमण ग्रीक इन्वेशन जिसमें स्पेशली हम लोग सिकंदर या अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने ईरानी आक्रमण तक ही अपने क्लास को कंसंट्रेट मतलब कहीं कहीं कंसंट्रेट किया, जिसमें हमने बताया कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी थे, पर्शियन ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो किसी विदेशी ताकत ने पहले भारत पर आक्रमण किया वो कौन है? ईरानी, ठीक ना। और स्पेशली अगर वंश का नाम पूछ ले, डायनेस्टी का नाम पूछ ले, तो वहां की डायनेस्टी है, याद रखना है कौन? हकमनी डायनेस्टी, और हकमनी वंश का ही राजा है साइरस, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया। तो पहला देश जिसने भारत पर आक्रमण किया ईरान या ईरानी, पहला वंश या पहली डायनेस्टी हकमनी, और पहला किंग पहला राजा तो साइरस, ठीक ना। और सफल आक्रमण किसका रहा ईरानी आक्रमण के संदर्भ में देखा जाए तो टेरियस फर्स्ट का, जिसने पश्चिमोत्तर भारत में अपना 20वां प्रांत बनाया। दूरगामी प्रभाव निकले ईरानी आक्रमण के, जिसके फलस्वरूप भारत में अरामाइक और खरोष्ठी लिपि का विकास होता है, ठीक। तो ये पूरा पॉइंट नोट कर ले ईरानी आक्रमण से संबंधित। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं, यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है तो उसकी लड़ाई होती है ना किसी से, तो किससे होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। इतना पूरा आप नोट कर लें, कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तुरंत ही आप कमेंट करके पूछें। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर करना है, और पुराने हैं तो आप दोस्त याद में शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक ना। और धीरे 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 देखेंगे कि आपका इतिहास में वो पकड़ होगा, जीके जीएस एसएसटी पर वो पकड़ होगा जो ना आप दूसरे विषयों पर आपका नहीं होगा। ये डे वन से ही मेरा प्रॉमिस है, और कहीं ना कहीं उस प्रॉमिस पर मैं उस कमिटमेंट पर खरा भी उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, और परिणाम स्वरूप अच्छा रिजल्ट आपके द्वारा मिल भी रहा है ना। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पूरे जीके जीएस एसएसटी को कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।